फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी डिजिटल की स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का भविष्यफल। इस भविष्यफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल उपाय, राशि अनुसार ही आपका लकी नंबर और लकी कलर भी, पंचांग बताएंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए भविष्यफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है रविवार का, तारीख है 11 जून 2023, आषाढ़ कृष्ण अष्टमी पर चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी अग्नय, राहु काल रहेगा शाम को 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक का। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर को 2:32 से लेकर अगले दिन सुबह 5:23 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:19 से लेकर दोपहर 12:05 तक। विशेष क्या है, कनक दुर्गा पूजा है। कनक का मतलब सोना, वो दुर्गा जो पीले वस्त्र धारण करती है, जो सोने की तरह चमकीली है, वो दुर्गा कनक दुर्गा, धन देने वाली, सोना देने वाली दुर्गा। और हमारा स्पेशल उपाय भी इसी से ही संबंधित है। तो चलिए भविष्यफल की शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष यानी एरियस के साथ में। मेष राशि वालों, जीवन साथी की मदद से काम निपटेंगे, कारोबारी लाभ होगा, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों को सूजी दान करें। वृष, लोग सहयोग करेंगे, नई घरेलू जिम्मेदारी मिलेगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सोचे हुए काम पूरे होंगे। उपाय ये करें कि पूजा घर में गुड़ चढ़ाएं। मिथुन, आय के नए स्रोत मिलेंगे, घरेलू माहौल बेहतर रहेगा, धन संपत्ति में वृद्धि के योग हैं, भाग्य पूरा साथ देगा। उपाय ये करें कि कर्पूर से लाल चंदन जलाएं। कर्क, कारोबारी लाभ के योग हैं, नए काम की योजना बनाएंगे, तरक्की के मार्ग खुलेंगे, पारिवारिक विवाद से बचें। उपाय ये करें कि रोली से धन लिखकर तिजोरी में रखें। सिंह, घरेलू काम का बोझ बढ़ेगा, व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे, खर्चे काबू में रखें, छात्रों को सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि थोड़ा सा शहद खाएं। कन्या, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, कारोबारी सफलता मिलेगी, संतान की सेहत की चिंता रहेगी। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए गेहूं रखें। तुला, परिजन सहयोग देंगे, सेहत बेहतर बनी रहेगी, अध्यात्म की ओर रुझान रहेगा, आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे। उपाय ये करें कि जेब में लाल रंग का पेन रखें। वृश्चिक, आर्थिक क्षेत्र जो है वो ठीक रहेगा, परिजनों का सहयोग मिलेगा, हर फैसला समझदारी से लें, रिश्तों में सुधार आएगा। उपाय ये करें कि किसी गरीब को खजूर दान करें। धनु, कारोबारी यात्रा के योग हैं, सुख साधनों में वृद्धि होगी, संपत्ति संबंधी काम पूरे होंगे, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर इमरती चढ़ाएं। मकर, कार्यक्षेत्र सफल रहेगा, बड़ा कारोबारी लाभ होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, योजना समय पर पूरी होंगी। उपाय ये करें कि गंदे नाले में मुनक्का फेंक दें। कुंभ, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक फैसलों में सतर्क रहें, दाम्पत्य में तनाव रहेगा, संतान को तरक्की मिलेगी। उपाय ये करें कि जेब में गेहूं के दाने रखें। मीन, कोई खुशखबरी मिलेगी, आर्थिक क्षेत्र ठीक रहेगा, करियर में वृद्धि के मौके मिलेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय ये करें कि किसी पेड़ के नीचे अंजीर चढ़ाएं। तो दोस्तों, अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो पारिवारिक खुशहाली लाएगा आपके जीवन में। देखिए, खास दिन है, रविवार का दिन है, संडे का दिन है, ऐसे में विशेष रूप से अष्टमी तिथि उदया पड़ रही है, तो उसमें विशेष रूप से देवी कनक दुर्गा के पूजन का विधान है। तो ऐसे में क्या करें, देवी कनक दुर्गा का पूजन करें और पारिवारिक खुशहाली के लिए देवी कनक दुर्गा पर हल्दी की गांठ चढ़ाकर उसे किचन में स्थापित कर दें और पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम पीताम्बर धाराय नमः, यानी कि पीले कपड़े पहनने वाली, ओम पीताम्बर धाराय नमः, आश्वस्त करता हूँ पारिवारिक खुशहाली जरूर आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।